So tired by the day, or we're still energized, huh? Come come on, let me know. If we are energized, type E in the chat. If we are tired, type T in the chat. T for tired, E for energized. I'm waiting for your answers in the chat. Pratika, Zainab, Keshav, they all are writing E. Okay, great. Then it's amazing. Keshav, Lunasha, Zainab, Yash, Arika, Wow. Kanishka, Aryan, they all are writing E. Okay, that's really amazing because I just got three here. Great. That's amazing, people. Right, so today's session, we just begin with the video. I'm just opening it, then I'll share the screen. Okay, give me a minute. So the screen is there. I'll just share the screen with you all. Move on to this. Right, so just watch the video. And then we have a discussion around it. The screen is visible to us. Show me a thumbs up if you can see. Okay, fine, Arika, thank you. Okay. So here. One day, a man saw a sculptor making two identical idols and asked, "Why do we need two idols?" "There is a problem in the first one," the sculptor said. The man looked at the idols from all sides. "What is the mistake? I can't see it," he said. "There is a scratch on the nose," the sculptor said. Okay, so just pay attention that on the first sculpture, there's a scar on the nose. This is what it is showing. You can see it on the screen, right? The man was surprised. "Where will this idol be placed?" he asked. "There," the sculptor pointed towards a high ledge. Okay, so now it has to be placed high up. So, is it okay if there was a scar on this? Was it fine? Should the sculptor put the same sculpture? कोई नहीं उसकी नोज पे स्कार भी है तो इतनी दूर ऊपर से तो किसी को नहीं दिखेगा तो उसको लगा देना चाहिए था यही वाला जो थोड़ा सा डिफेक्टेड है. Give me a thumbs up for yes. Okay, Archit wants to answer. That's nice. Yes, Archit. मैम नो. क्यों नहीं? किसी को दिखना थोड़ा ना था. मैम उससे वो अच्छा नहीं लगता. उसको अच्छा नहीं लगता. यस वेरी ट्रू. उसको अच्छा नहीं लगता. ओके कृतिका. मैम हमें नहीं लगाना चाहिए. क्यों? क्योंकि मैम अगर वो खराब है तो हम अच्छा भी तो बनाए हैं, उसे लगा दो. और वो गंदा भी लगता है, अच्छा नहीं लगता. ओके राइट केशव. मैम इसमें किसी दूसरे को तो पता नहीं चलेगा इतनी दूर से, पर हमें तो पता है ना कि उसपे एक स्क्रैच है, तो हमें तो बुरा लगेगा ही, बाकी किसी और को पता चले या ना चले. राइट तो हमें बुरा लगेगा डेफिनेटली. यस रुष्टा. मैम अगर कोई लोग दूर से देखेंगे तो मैम बुरा अच्छा लगेगा, मतलब जब हम देखेंगे तो बुरा लगेगा, हमें बुरा लगेगा. हमें बुरा लगेगा बिकॉज हमें पता है कि क्या इफेक्ट है क्योंकि हमने ही बनाया है. राइट वेरी ट्रू. अब आगे देखते क्या होता है. व्हाट द ओ दैट्स सो हाई नोबडी विल नो देयर इज अ स्क्रैच. व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम ऑन अनदर आइडल, द मैन आस्क्ड. द स्कल्प्टर सेड, आई एग्री बट आई नो एंड गॉड नोस एंड दैट्स ऑल दैट मैटर्स. सो दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी वेयर इन द पर्सन सेज I know that there is a scratch. God knows there is a scratch. And this is what matters. Right? तो क्या लगता है ये वीडियो किस चीज के ऊपर था जो अभी हमने देखा. What was it about? Any guess? क्या चीज हम इससे सीख सकते हैं या क्या I wanted you to pay attention to? Can you guess? Okay, Zainab.
मैम ऑनेस्टी. ऑलराइट, वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी. ओके केशव, इस वीडियो में हमें ये सिखाया गया कि हमें अपने थोड़ा मतलब हमें अपने आप से कभी धोखा नहीं करना चाहिए. ओके कुमकुम. मैम ऑनेस्टी. ऑनेस्टी. ओके, दिस वीडियो वाज अ लिटिल हायर लेवल देन ऑनेस्टी. हमें पता है हमसे मिस्टेक हुई है या हमें पता है हमसे कोई काम ठीक नहीं हुआ है, तो हम उसको अगर दोबारा करें तो वो काम ठीक हो सकता है ना. सो दिस इज अबाउट एक्सेलेंस, गिविंग योर 100%. तो जब हम अपना 100% किसी भी काम को देंगे तो हम ये नहीं सोचेंगे ना कि वो सबको कैसी लगेगी, वो मुझे बेस्ट लगना चाहिए. यस, वो मेरा बेस्ट है, आई शुड बी सैटिस्फाइड आफ्टर डूइंग इट. सो इस वीडियो में भी अगर आप देखो तो उसको पता है कि ये मेरा बेस्ट नहीं है क्योंकि इसमें स्क्रैच रह गया जिसको मैंने ठीक से नहीं बनाया, राइट? तो मुझे अपना बेस्ट देना है. सो दिस वीडियो वॉज अबाउट गिविंग योर 100% एक्सीलेंस के ऊपर था. गिविंग योर 100% के लिए हम वर्ड बोलते हैं एक्सीलेंस, EXCELLENCE. ठीक है, तो एक्सीलेंस होता है जब आप अपना किसी भी टास्क को 100% देते हो और उसको करने के बाद यू आर हैप्पी एंड सैटिस्फाइड, आई हैव डन इट. देन यू डोंट, देन इट इज नॉट लाइक कि सबको पसंद आ रहा है या नहीं, रिवॉर्ड मिल रहा है या नहीं. नो, व्हाट मैटर्स इज दैट यू डिड इट एंड यू आर हैप्पी विद इट, क्योंकि आपने अपना पूरा एनर्जी, पूरा फोकस, सब कुछ उसको दिया था. एंड अकॉर्डिंग टू यू दैट्स योर मास्टरपीस, राइट? तो उस स्कल्पचर के लिए भी सेकंड स्कल्पचर मास्टरपीस था क्योंकि उसमें कोई डिफेक्ट नहीं था, है ना, राइट? तो अब हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे. इस एक्टिविटी के लिए आपको एक शीट चाहिए, तो आप ड्रॉइंग शीट, A4 साइज शीट, व्हाइट वाली, जो भी आपको कंफर्टेबल लगती है आप ले लीजिए. एंड ट्राई गेटिंग कलर्स, कलर्स में क्रेयॉन्स या पेंसिल कलर्स प्रेफर करिएगा बिकॉज यू मे हैव टू डू आउटलाइंस एंड कलरिंग्स. ओके, तो अवॉइड स्केच कलर्स, बट यू कैन गेट एनी क्रेयॉन्स, वैक्स है, प्लास्टिक है, ऑयल पेस्टल्स हैं, जोन से भी क्रेयॉन्स आपके पास है, जस्ट गेट दीज टू थिंग्स, अ शीट और योर ड्रॉइंग बुक और सॉरी एंड योर कलर. And then I'll tell you what you have to do. Okay, Rushta is ready. Amazing. Dhruv is ready. Keshav has got things. Zainab is almost ready. Pritika has come. Okay, Lanasha, I can't see you, but are you ready? Yash is ready, he's given a thumbs up, right? Anika, ready? Okay, Ranasha has got the sheet. Anika is coming back. Kaina, your video is stuck, I can't see you. Kanishka, I can't see you again. All right. अब आपने क्या करना है, आपने इस शीट पे एक गार्डन बनाना है. ठीक है, अगर आप कलरिंग नहीं कर पाओ इट इज ओके, आप कलर, आपके जो कलर्स हैं उससे आप अपने पिक्चर्स को आउटलाइन कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि ऑयल पेस्टल्स हैं, यू कैन स्टिल मेक द आउटलाइनिंग. ओके, आप अपने पास गार्डन बना रहे हो, जैसा भी आपके माइंड में है, छोटा बड़ा, पूरे शीट पे बनाना है, हाफ शीट पे बनाना है, सिर्फ थोड़ा सा बनाना है, इट्स कंप्लीटली अप टू यू. I just have two conditions here. आप इसमें flowers नहीं बनाओगे और आप इसमें stones नहीं बनाओगे. तो stone, rock, pebbles नहीं बनाओगे और flower नहीं बनाओगे. इसके अलावा trees, leaves, grass, birds, swings, children playing, hut and some water source you want to show through coming through mountain, या फिर आपको pond दिखाना है, आपको sky दिखाना है, sky में कुछ दिखाना है, it's all up to you.
जो आपके माइंड में आ रहा है आप वैसा बनाओ, ठीक है? बस सिर्फ फ्लावर्स और स्टोन्स नहीं बनाने हैं, ठीक है? एंड आई विल गिव यू 10 मिनट्स फॉर इट. तो अभी द टाइम इज 2:14 बाय 2:25 या बाय 2:25 वील स्टॉप, ठीक है? तो आप पूरा कलरिंग का टाइम नहीं भी मिलेगा तो कोई बात नहीं, आफ्टर क्विकली मेकिंग विद पेंसिल आप अपने कलर से उसे आउटलाइन कर दीजिएगा शेप्स को. तो जैसे आपने ग्रास बनाई है डायरेक्ट कलर से ही बना लीजिए, या आपको डायरेक्ट कलर से बनाना है आप डायरेक्ट कलर से भी बना सकते हो, क्योंकि हम यहाँ ड्रॉइंग का कॉम्पिटिशन नहीं कर रहे कि किसकी बेस्ट है, ठीक है? तो आप डायरेक्ट कलर्स भी यूज कर सकते हो ड्रॉ करने के लिए. आई एम ओके विद दैट ऑल्सो. If you have any doubt, you may ask. Rushta, you're clear? You have some doubt? You have a doubt? Okay. Yes? No, ma'am, I have a not doubt. Okay. Arika, you're clear? No, okay. Just a second. Arvi, wait. Let Arika speak first. Yes, Arika. I have doubt. आपने अभी क्या बताया मैम, हमारे नेटवर्क में आज बहुत प्रॉब्लम हो रही है. मैंने ये कहा था बेटा कि आपने एक गार्डन बनाना है अपने पास, ठीक है? उस गार्डन में आप फ्लावर्स और स्टोन्स नहीं बनाओगे, बाकी आप कुछ भी बना लो, और आप डायरेक्ट कलर से बना सकते हो क्योंकि हम यहाँ पे ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन नहीं कर रहे कि किसका सुंदर है, ठीक है? तो आप डायरेक्ट कलर से भी बना सकते हो. यस मैम, मेरे को यही डाउट था जो आरिका ने पूछ लिया. ठीक है, सो यू कैन बिगिन नाउ. ओके लुनाशा. मैम, हमें फ्लावर और स्टोन के नहीं बनाने. आई लेट यू नो व्हाई, दैट्स द सेकंड पार्ट ऑफ द एक्टिविटी. ओके, या केशव. मैम, हमें ये डाउट है. मैं हमारा ये डाउट है कि इसमें हम इंसान को बना सकते हैं, जैसे हम गार्डन में इंसानों को दिखाए. या यू कैन मेक चिल्ड्रन, यू कैन मेक गार्डनर, यू कैन मेक पीपल सिटिंग ऑन बेंच. या ज़ैनब, यू वांट टू आस्क समथिंग? मैम, हमारा सेम ही डाउट था कि हम पीपल बना सकते हैं, मैम हमें अपनी ड्राइंग दिखानी है. Okay, nice. What have you drawn? Sky? Evening sky and? One is the evening sky. What is the second picture? Ma'am, night. Okay, that's a night sky. Okay, nice. Thank you, ma'am. Yeah, now quickly do the work, okay? Yes, Pritika. Okay. Ma'am, हमें भी आपको एक drawing दिखानी है. Okay. This is. Ma'am, हम आपको back camera करके दिखाते हैं. Okay. I felt it's a fingered cross. Is it this? Yeah, it's a okay finger, and you're having a ring in the hand. No, ma'am, it's a heart. It's a heart. Okay. I felt it's a heart-shaped ring. मैं वही देख रही थी. Okay. It's looking pretty. Nice. Thank you, ma'am. You're welcome. Quickly do the work now. Okay. Yes, Keshav. Ma'am, हमें भी अपनी ड्राइंग दिखानी है. Okay. मैंने इसे बड़ा हार्ड वर्क से बनाया है. Nice. Whom you have tried to make? Ma'am, हमारे
हमारी बुआ के हस्बैंड की फोटो, यानी हमारे फूफा जी की फोटो है. ओके नाइस. सो डज इट मैचेस या बी प्रैक्टिस चाहिए? नो इट मैचेस, देन इट्स अमेजिंग. नाइस स्केच. ओके सो पीपल वी हैव अनदर 5 minutes. If there's any doubt, you may ask. Yes, Vedanshi. It's gone. Yeah. You made it? Yes, ma'am. Okay, Vedanshi, आप उसको ना एक बार कलर आउटलाइन कर लो बेटा, मुझे ना पेंसिल नहीं दिख रहा स्क्रीन पे. Okay, ma'am. हाँ, आप कलर से आउटलाइनिंग कर दो, वो डार्क हो जाएगा ना, देन इट विल बी विजिबल. ओके यू स्टिल हैव 5 minutes, कर लो फटाफट से. Okay, ma'am. आउटलाइनिंग कर लो. मैम हमारा हो गया. ओके ओके जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी पुट यू इन स्पीकर मोड फॉर मी टू सी. आई जस्ट क्लिक द पिक्चर. वेट अ सेकंड, लेट मी डू फॉर द फोन. जस्ट अ सेकंड. Okay. All right. So you've made a fence and you've made trees and sky. All right. And you've colored it. That's amazing. Nice. Ma'am. हाँ जी. मैम आपको हम एक और ड्राइंग दिखाना चाहते हैं. Okay. Okay. Happy Diwali. Nice, nice candle and nice dia. Pretty colorful. Seeing nice dia. Okay. Priyanshi. Ma'am, अभी क्या करना है? जो अभी drawing दिखाई थी, उसे बनाना है. हाँ जी. Okay, ma'am. Vedanshi, done? Achha, your hand was raised now. I thought it's done. Okay. Okay, you have blacked outlined it a bit. Okay. You have another 2 minutes, people. Quickly make your garden. Yes, Pratika. Ma'am, हमने draw कर लिया. Okay. Okay. Ma'am, ये plant है. Hmm.
It's a girl. It's a tree. Okay. And it's a river. Okay. Mountains. Yeah, okay. I'm gonna draw correct. And this is the sun. Okay. So nice garden. Soothing. मैम अब हम आपको outline करके दिखाएंगे बाद में. ठीक है. Okay मैम. Okay. Harsh. Oh, you made it. Okay. So your garden has a child playing with the hut and certain bushes around with the mountain. Okay. Nice. Harsh, it's looking nice. Okay. Now what we will do is, अब हम सबने अपना गार्डन रेडी कर लिया है राइट right? तो अब हम क्या करेंगे, अब आप कोई टू कलर्स पिक करो, वन कलर फॉर फ्लावर एंड वन कलर फॉर मेकिंग स्टोन. जस्ट पिक टू कलर्स एंड आई विल टेल यू आपने फ्लावर कब बनाना है और आपने स्टोन कब बनाना है. ठीक है, हैव यू टेकन टू कलर्स ऑफ आवर चॉइस? इट्स अप टू यू, आपको स्टोन कौन से कलर का बनाना है आपकी मर्जी है, फ्लावर कौन से कलर का बनाना है आपकी मर्जी है, बट पिक अप जस्ट टू कलर्स. ओके, अब आपने क्या करना है, ये जो गार्डन है ना, ये गार्डन रिप्रेजेंट कर रहा है आपका एक्शन. जब आप काम करते हो, कोई भी काम करते हो, ठीक है, ये गार्डन है आपका वो. अब इस गार्डन में आपने फ्लावर्स तब बनाने हैं जब आप जो भी काम करते हो उसको अपना 100% देते हो, उसमें एक्सीलेंस होता है, दैट यू आर हैप्पी दैट यस आई डिड माय बेस्ट. ठीक है, तो याद करो ऐसे काम लास्ट टू डेज के जिसमें आपको ऐसी फीलिंग आई थी दैट आई हैव गिवन माय बेस्ट और अपना फ्लावर बनाओ वहां पे. और स्टोन आप तब बनाओगे जब आपने वो काम तो किया बट आप सैटिस्फाइड नहीं थे, आपको लगा कि ये और बेटर हो सकता था या इसमें मैं और कुछ कर सकता था या ये इतना अच्छा नहीं आया या मैं करते हुए डर गई उसको. ठीक है, तो मैंने अपना 100% कुछ रीजंस की वजह से नहीं दिया और वो इससे बेटर हो सकता था, तो आप उस गार्डन में स्टोन्स बनाओगे. ठीक है, अब लास्ट टू डेज के बारे में सोचो और यहाँ पे बनाओ फ्लावर्स. अगर आपने 100% दिया और वो काम कर यू वर सैटिस्फाइड, यू आर गिविंग योर बेस्ट, और स्टोन कि वो आपका बेस्ट नहीं था, उससे और अच्छा हो सकता था, तो आप स्टोन बनाओ. वो कोई भी काम हो सकता है, वो अगर आप रीडिंग करने की कोशिश कर रहे हो, आप कोई स्पोर्ट में हो, आपका कोई स्कूल प्रोजेक्ट है, कोई क्लास वर्क है, कोई होमवर्क है, यहाँ तक कि ऑनलाइन क्लास की अटेंडेंस है रोज की किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में राइट right? तो कोई भी काम, जो भी काम आप करते हो, इवन ईटिंग फूड, कई बार होता है ना हम खाना भी ऐसे बिना ध्यान दिए फटाफट खाते हैं, तो वो एक्सीलेंस नहीं है. खाना खाने में भी एक्सीलेंस कैसे है कि आप कैसे बाइट को च्यू कर रहे हो, आपको पता है उसका टेस्ट कैसा है, विदाउट वेजिटेबल, विद वेजिटेबल, वेजिटेबल का टेस्ट कैसा है, दैट्स योर एक्सीलेंस. व्हेन यू आर पेइंग अटेंशन टू एवरीथिंग, एवरी डिटेल, प्ले कर रहे हो तो कैसे आप हैंड मूव कर रहे हो, कैसी आपकी बॉडी मूवमेंट है, आपकी गेम अच्छी है या नहीं है, हमें खुद पता चल जाता है ना कि हमने अपना अच्छा किया या नहीं, बेस्ट दिया या नहीं. तो कोई भी काम आप सोचो, एनीथिंग, इवन व्हाइल यू आर ब्रशिंग योर टीथ, क्या आप ध्यान देते हो कि आपका ब्रश कहाँ मूव कर रहा है, कैसे कर रहा है या नहीं, या फिर बस मेंटली प्रैक्टिस्ड है तो हम नींद में ही करते हैं और छोड़ देते हैं. हर काम, छोटा बड़ा कोई भी काम हो आपका, आपने काम का नाम नहीं लिखना, बस आप सिर्फ वहां पर फ्लावर से दिखा रहे हो अगर आपने अपना बेस्ट दिया, और स्टोन दिखा रहे हो अगर आपको लगता था नहीं ये मेरा बेस्ट नहीं था, इसमें और अच्छा हो सकता था. ठीक है, सो क्विकली मेक इट बट यूज ओनली दोस टू कलर्स विच यू हैव टेकन, डायरेक्टली मेक विद द कलर एंड देन वील डिस्कस आफ्टर 5 मिनट्स. सो राउंड 33, we'll begin the discussion. Okay, yes, Pritika. Ma'am, हमने ना सारी चीजें
पेंसिल से ड्रॉ कर रखी है पहले से, तो आप ब्लैक स्केच पेन से आउटलाइन कर सकते हैं? नहीं अभी आउटलाइन मत करो, अभी जो मैंने आपको फ्लावर और स्टोन का पार्ट दिया ना प्रतिका, पहले वो फिनिश करो, बिकॉज दिस फ्लावर एंड स्टोन इज मोर इम्पोर्टेंट. यस मैम, हमने उसे भी ड्रॉ कर लिया है. हाँ तो आप कोई भी टू कलर से आउटलाइन कर दो. यस मैम, हमने कर लिया. ठीक है, तो फिर टाइम है तो आप गार्डन आउटलाइन कर सकते हो, आपकी मर्जी आपको किस कलर से करना है. आपको मल्टी कलर करना है? सॉरी, हम फ्लावर का आउटलाइन कर सकते हैं स्केच पेन से. फ्लावर आपने कलर करा है किसी कलर से? नो मैम, अभी तो हमने ड्रॉ करा है. तो जिस जो कलर से आपको कलर करना है उसी से ही आउटलाइन करो. और स्टोन ठीक है? ओके मैम, थैंक यू मैम. यू वेलकम. Once you're through, just show me a thumbs up so that I know you've done it. Just think for last 2 days, or maybe subah se, aaj subah se soch lo. Agar 2 days nahi bhi yaad, it's okay. Aap aaj subah se bhi soch sakte ho. Aaj morning routine till now, you can make it on that basis also, your garden. Maximum kal ka yaad hai, kal se kar sakte ho, if not 2 days. It's completely up to you. Think of every small bit, right from getting up, right from exercising, playing, attending your classes, helping somebody, reading, enjoying cartoon or movie. Think everything. Last 1 minute for you to complete the work, please. Yes, Lunasha. मैम, हमें आज का और कल का सोच के बताना है या फिर कल का और परसों का? It's up to you, बेटा. आप सिर्फ आज का भी सोच सकते हो. It's completely up to you. ठीक है? Yes, Harsh. मैम, फ्लावर और स्टोन भी बनाने मैम इसमें? स्टोन तब बनाने हैं अगर आपने वो काम जो अपना किया उसमें अपना बेस्ट नहीं दिया, अपना 100% नहीं दिया. ओके मैम, तब स्टोन बनाना है. अगर 100% दिया, अपना बेस्ट दिया, तो फ्लावर बनाना है. आराध्या, आराध्या, यू वांट टू से समथिंग? मेरे योर हैंड इज रेज्ड. आपने जो अभी बोला था, मेरे पास वॉल्यूम नहीं आई थी आपकी. स्टोन बनाना है अगर आप जो काम कर रहे हो उसमें अपना बेस्ट. मैम, मैंने फ्लावर बनाए हैं. ओके, सो थिंक आउटलाइन कर सकते हैं तब चलेगा? आउटलाइन कर लेंगे कलर से. ओके मैम, यही. वेदांशी, नीचे हो गया बेटा. ओके, एंड प्रीतिका, ही इज आल्सो डन. यस मैम, हमने फ्लावर बनाया है. हम आपको बताना भी चाहते हैं किस लिए बनाया हमने फ्लावर, क्या बनाया था हमने. ओके, प्लीज गो अहेड. हमारा हिंदी का हॉलिडे होमवर्क था, हमें कोई ग्रह मींस कोई प्लैनेट, सन, स्टार्स या
मून बनाना है, तो हमने मून बनाया था। ओके। तो उसके लिए मैम हमने फ्लावर ड्रॉ करा है। ओके, सो यू गिव योर 100% टू दैट टास्क। यस मैम, पूरा घर फैल गया था। राइट। ओके, नाउ पीपल, व्हाई डिड आई आस्क यू टू डू दिस? मैंने क्यों आपको फ्लावर और स्टोन्स बोले? ये दिखाने के लिए कि जब हम कोई काम कर रहे हैं तो क्या हम अपना 100% सच में देते हैं या उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। तो अगर वो स्टोन बनाया है तो यानी हमें खुद पता है ना कि उसमें कुछ कमी रह गई है, और फ्लावर बनाया तो यानी हमने अपना बेस्ट दिया है। अब ये सोचो कि काम में कमी क्यों रह जाती है, क्या रीजन है जो हमने स्टोन बनाया, क्या चीज है जो हम उस टास्क को अपना 100% नहीं दे पाए, क्या रीजन था? या ऐसे कितने सारे टास्क होंगे हमारे जिसको हम करते तो हैं पर अपना 100% नहीं देते और हमें लगता है कि नहीं ये और अच्छा हो सकता था, तो क्या चीज थी जो हमें स्टॉप कर रही थी अपना 100% देने से, क्या चीज थी? सोचो, जब आपने स्टोन बनाया, वो वन बनाया, टू बनाया, सिर्फ ये सोचो क्यों आया वो स्टोन, क्या रीजन हुआ होगा, क्या चीज थी जिसने आपको स्टॉप किया उसमें बेस्ट देने के लिए। प्रियांशी, प्रियांशी प्लीज अनम्यूट। या आई कांट हियर यू बेटा, यू आर नॉट ऑडिबल। आई कैन सी द पिक्चर मेड विद द पेंसिल, यस, बट आई रियली कांट हियर यू। जस्ट चेक योर इनपुट वंस फॉर द वॉल्यूम। वेदांशी, यस मैम। हाँ जी, यू वॉन्ट टू शेयर द रीजन? यस मैम। Yeah, go ahead. क्या चीज आपको मैंने अपना काम थोड़ी देर किया, फिर मैंने अपना काम थोड़ी देर बाद के लिए छोड़ दिया। Right, तो इसका मतलब मेरा focus shift हो गया? Yes, ma'am. तो इसलिए मैं अपना 100% नहीं दे पाई, right? जब हम focus को shift कर लेते हैं तो हम अपना 100% definitely नहीं दे पाते। Good reflection, Vedanshi. Amazing. हर्ष, ओके, हर्ष, आई हैव सीन द पिक्चर, नाउ ऑल्सो टेल मी द रीजन स्टोन क्यों आता है हमारा, थिंक अबाउट दैट ऑल्सो। केशव, यस मैम, हमने अपनी ड्राइंग कंप्लीट कर ली है। ओके, कलर नहीं किया, आउटलाइन नहीं की, स्टोन में तो कलर नहीं किया अभी हमने। ठीक है, तो स्टोन का रीजन गेस करो केशव, कि स्टोन क्यों आया, क्यों आप अपना 100% नहीं दे पाए, क्या चीज स्टॉप करी? हमने हिंदी के एग्जाम के लगाया। ओके, ओके, एक बार ना शायद प्रतीका को भी पता होगा कि हमारे हिंदी के एग्जाम में एक वो आया था, क्या कहते हैं उसे, ऐसे लिखने के लिए आया था, वो हमने कल पूरे याद किया था, बट उसके कुछ ही एक छह पांच छह लाइनें याद आई, हमने वो लिख दी। पर जब एग्जाम एंड हुआ तो जब मैम ने बताया था कि शायद उससे पहले भी बताया, शायद मैं सुना ना हो, बट जब मुझे पता चला कि पांच छह लाइनें पूरा पैराग्राफ लिखना था, तो देन मुझे रियलाइज हुआ कि इसको हम और अच्छा कर सकते थे, पर मेरी जल्दबाजी और मेरे एग्जाम के लेकर एटीट्यूड ने वो सब खराब कर दिया। फटाफट फिनिश हो तो भी हमसे नहीं हो पाता हमारा बेस्ट। वेरी ट्रू। हर्ष, यू वॉन्ट टू एड समथिंग? यस मैम। या प्लीज शेयर। मैम हमारी गार्डन ड्रॉ हो गया। ओके, दैट्स प्रीटी। Have you made stones? Because it's with pencil, I can't see. आपने कोई स्टोन बनाया है? मुझे फ्लावर भी नहीं दिख रहा वैसे।
आपने बनाया है? यस मैम, मैम ये रेनबो है, मैम ये सन है, और मैम ये टू, मैम एक बॉय है, मैम एक गर्ल है, और मैम ये दोनों पटरी के ऊपर चढ़ रहे हैं, और मैम वो फ्लावर है. Okay, so you have made one flower for one task, okay, which is what you could recall. Great. अब मैं आपसे एक वीडियो शेयर कर रही हूँ. Just watch this video. I will be taking 4 minutes of yours extra today. So please, sorry, but I'll just show you this video to make you understand कि हम क्यों एक्सीलेंस नहीं अचीव कर पाते. Okay, I had to close this. Just a second, please. Just watch this video. You will get the reason कि हम क्यों stones आए हमारे गार्डन. है दो बच्चों की जो एक गांव में रहते थे. उनमें से एक 6 साल का था और एक 10 साल का. दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, बिल्कुल छोले के जय और वीरू जैसे. दोनों हमेशा साथ साथ रहते, साथ साथ खेलते, साथ साथ खाते पीते, साथ साथ नहाते धोते. नहीं धोते नहीं, ये थोड़ा ज्यादा हो गया. तो एक दिन वो दोनों गांव से थोड़ा दूर निकल गए और खेलते खेलते उनमें से जो बड़ा बच्चा था 10 साल वाला वो कुएं में गिर गया और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लग गया क्योंकि उसको तैरना नहीं आता. अब जो दूसरा बच्चा था छोटा सा 6 साल का, उसने अपने आसपास में देखा और उसको कोई नजर नहीं आया, उसको कोई नहीं दिखा जिसको कि वो बुला सके हेल्प के लिए. और फिर उसकी नजर पड़ी एक बाल्टी पे जिसपे एक रस्सी बंधी हुई थी. उसने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया, उस बाल्टी को उठा करके कुएं में फेंक दिया और अपने दोस्त को बोला कि पकड़ ले इसको. उसके दोस्त ने पकड़ा और वो अपनी पूरी ताकत लगा करके पागलों की तरह उसको खींचने लगा. खींचता रहा, अपनी पूरी जान लगा दी उसने, छोटे से बच्चे ने 6 साल के, और 10 साल के बच्चे ने उस बाल्टी को पकड़ा हुआ था. खींचता रहा, और तब तक नहीं रुका जब तक उसने अपने दोस्त को बचा नहीं लिया, जब तक वो बाहर नहीं आया. अब यहां तक तो ठीक था, यहां तक तो ये कहानी समझ आती है. लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही ये दो बच्चे जब दोनों एक हो गए, जब बाहर आए और आकर के गले मिल रहे, रो रहे और खुश हो रहे, एक तरफ से उनको डर भी लग रहा था. डर था कि अब गांव जाएंगे तो बहुत पिटाई होगी जब उनको बताएंगे कि ऐसे हम कुएं में गिर गए और ये सब चीजें हुई. लेकिन मजे की बात ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. वो जब गांव गए और जा करके उन्होंने अपने घर वालों को बताया, बाकी गांव वालों को बताया, तो किसी ने विश्वास नहीं किया पूरे गांव वालों ने. और वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे क्योंकि उस बच्चे में इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो एक बाल्टी पानी से भरी हुई वो उठा सके. तो इतने बड़े बच्चे को इतनी ऊपर खींचना तो बहुत दूर की बात है. लेकिन एक आदमी था उस गांव में, उसने विश्वास कर लिया. उनको सब रहीम चाचा कहते थे, उस गांव के सबसे समझदार बुजुर्गों में से एक. और सबको लगा कि यार ये कभी झूठ नहीं बोलते, अगर ये कह रहे हैं तो जरूर कोई ना कोई बात होगी, कोई ना कोई वजह होगी जिस वजह से ऐसा कह रहे हैं. और फिर सारे गांव वाले इकट्ठे होकर के उनके पास में गए और जाकर के बोले कि देखो जी हमें तो कुछ समझ आ नहीं रहा, आप ही बता दो कि ऐसा कैसे हो सकता है. तो उनको हंसी आ गई. वो बोले कि यार इसमें मैं क्या बताऊं, वो बच्चा बता तो रहा है उसने कैसे किया. बाल्टी को उठा करके कुएं में फेंका, उसके दोस्त ने बाल्टी को पकड़ा, उसने रस्सी को खींचा और अपने दोस्त को बचा लिया. तो आपको पता तो है उसने कैसे किया, बच्चा बता तो रहा है, इसमें मैं क्या बताऊं. तो सारे गांव वाले उनकी शक्ल देख रहे. फिर कुछ देर बाद वो बोले कि सवाल ये नहीं है कि वो छोटा सा बच्चा ये कैसे कर पाया, सवाल ये है कि वो ये क्यों कर पाया. So think, why this child could do it? कैसे 6 साल का बच्चा 10 years के बच्चे को बाहर निकाल पाया, क्या रीजन होगा? यस मैम, क्योंकि उस पे उसको ट्रस्ट था. उसको खुद पे ट्रस्ट था या 10 years वाले बच्चे पे ट्रस्ट था 6 years वाले को? मैम अपने. ओके, उसे अपने पे विश्वास था, बिलीफ था, डेफिनेटली यस. केशव मैम, ये यस का रीजन भी सही है, पर मेरा जो रीजन कहता है वो ये है कि उसने अपने पे ट्रस्ट से ज्यादा अपनी दोस्ती पे, दूसरे की जान बचाने के लिए तो ये किया. ओके, सो द पर्पस, ही हैड अ पर्पस, दिस इज व्हाट यू वांट टू से.
Okay, the meaning and purpose of life was important. All right. Vidanshi? मैम उसका सारा फोकस उसी पे था, उसको बचाना है. उसका सारा फोकस उस पे था. ओके रुजदा. मैम उन दोनों में आपस में प्यार था, अंडरस्टैंडिंग थी. ओके और उन दोनों को एक दूसरे पर भरोसा था. ओके देयर वाज ट्रस्ट. ओके Harsh, you want to add on something? Man, kyunki six year mein six kyunki wo usliye bacha raha tha kyunki wo apne dost ko aisi halat mein nahi dekh sakta. Okay. Pritika. Ma'am, usse apne aap pe trust tha ki main karunga. And उसने अपना 100% दिया. Okay, उसे trust था और उसने excellence 100% दिया. Excellence. Okay, good. You have got the vocabulary. Vinasha. Ma'am, क्योंकि 6-year-old वाले बच्चे ने अपना 100% दिया, उसने अपना best दिया, इसलिए वो अपने friend को बचा पाए. Right, उसने definitely अपना best दिया. Now let's listen what the old man says. कि उसके अंदर इतनी ताकत कहां से आई? और बोले इसका सिर्फ एक जवाब है, सिर्फ एक, कि जिस वक्त उस बच्चे ने ये किया, उस टाइम पे उस जगह पर दूर दूर तक कोई नहीं था उस बच्चे को यह बताने वाला कि तू ये नहीं कर सकता. कोई नहीं था, कोई नहीं, यहां तक कि वो खुद भी नहीं, वो खुद भी नहीं. So that was the story. तो जब हम अपना एक्सीलेंस नहीं देते ना, तो बैठ के सोचना कि क्या आप अपने पे बिलीव कर रहे हो कि आप कर सकते हो, क्या आप कमिटेड हो कि आपको करना है. Because that child was committed कि मुझे अपने दोस्त को बचाना है और मुझे पूरी कोशिश करनी है. बट अगर कोई उसके आसपास होता तो वो यही कहता ना कि मैं नहीं कर सकता, या अगर वो बच्चा डर जाता तो वो भी यही कहता कि मैं नहीं कर सकता. तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब हम डर जाते हैं कि हम नहीं कर सकते, या फिर जब हम अपने पे विश्वास नहीं करते, या हम अपना कमिटेड नहीं होते कि मुझे ये काम करना है अच्छे से, हम नहीं कर पाते. तो आपके गार्डन्स में अगर आप रोज देखो अपने हर काम में, अगर ज्यादा से ज्यादा स्टोन्स आ रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या चीज आपको रोकती है, क्या डर है, क्या थिंकिंग है, आप सबसे डर रहे हो, या लोग क्या कह रहे हैं आप वो मान रहे हो, या अपने पे विश्वास नहीं कर रहे, या आप अपने साथ ऑनेस्ट नहीं हो, या आप कमिटमेंट नहीं शो कर रहे. दीज आर द रीजंस विच डोंट लेट यू गिव एक्सेलेंस इफ यू डोंट फॉलो देम. तो अगर हमें एक्सीलेंस चाहिए तो आई कैन डू इट वाला एटीट्यूड हो और अपने पे विश्वास होना चाहिए, और उसके साथ साथ एक्शन भी लेना है, कमिटेड रहना है, मुझे करना है, मैं कर सकती हूँ. दिस इज व्हाट लीड्स यू टू एक्सीलेंस. सो विद दिस थॉट वी वाइंड अप विद टुडेस सेशन एंड आई जस्ट शेयर द होमवर्क विद यू. यू हैव टू डू पेज नंबर 57 ऑफ योर बुक. दैट्स इट. Do page 57 of your book. So that's your homework. See you again. We'll meet next class. Bye.